हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आपके दोस्त मधुरी आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जैसा कि आप लोग कितने दिनों से देख रहे हैं, ड्रामा वगैरह चल रहा है इन लोगों का। ड्रामा तो बुलेट्स का खैर चलता रहता है, बुलेट फैमिली है, ड्रामे के अलावा और कर भी कह सकते हैं। ड्रामा इन लोगों का चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है और आए दिन हर वक्त ही चलता रहता है। खैर जी, अब बुल्लर फैमिली में एक और नवा बिना गर्दन के आदमी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बिना गर्दन का आदमी है। इन लोगों के साथ रहना शुरू हो गया बिना गर्दन का आदमी। तो वो बिना गर्दन का आदमी ने एक तो देखें जिसकी बीवी है, तो वो तो चले आ गई है अपने मायके में, ठीक है, उसका कोई काम करने वाला नहीं है, ये वो आ गई है। वैसे तो आना उसका बनता नहीं था, अपने वो ससुर के घर जाती ना, तो अपने वो हस्बैंड के जाती घर में। लेकिन अच्छा चले, हस्बैंड से तो वगैरह से इन्होंने मिलना नहीं है, पाबंदियाँ लगाई हुई जहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं, उनको कहते हैं कि किसी ने घर वालों ने मिलना नहीं, उनके लड़के ले लेते हैं, मैं लड़कियाँ देके ये लोग। तो उसे तो खैर जाना नहीं था उसके घर, तो वो अपने मायके आ गई। चले मायके वो आ गई है, लेकिन ये बड़े पेट वाला बिना गर्दन वाला आदमी उसके साथ क्या करने आया? बिना गर्दन वाले आदमी की तो फुल फुल मौजें लगी हुई हैं, इसकी तो चारों उंगलियां, कहते हैं पांचों उंगलियां, पता नहीं घी में और सर कढ़ाई में दिया हुआ इसने। इसकी मौजें लगी हुई है, इधर भी औरत उधर भी औरत, बीच में बैठ जाता चढ़ के सबके, जाके जी खाना वगैरह टेस्ट करता है, चल जा बड़े बहुत सोहने बने, बहुत मज़ेदार बने हैं ये वो। और वो जो नकापोश डड्डू ले आए हैं, और डड्डू कह नहीं सॉरी क्या नाम था, बिलड़ी, जो नकापोश बिलड़ी आ गई है उनके पास में, जो मास्क नहीं उतारती अभी, मतलब इनके तो सारी औरतें आती हैं ना। अब देखिए मैं हूँ, मेरा तो पता है कि मैंने मास्क क्यों यूज़ कर रही हूँ, मेरे तो क्योंकि कोई भी नहीं आता है ये वो। तो बाकी इनकी तो पूरी फैमिली आती है, तो इनका तो हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि ये मास्क क्यों यूज़ कर रही है, तो कोई ना कोई रीज़न ही है ना। और वो ही मास्क वो सारा दिन लगा के तो नहीं घर में फिरती होगी। अब वो क्यों लगा रही है? क्योंकि वो अपने चेहरा नहीं दिखाना चाहती है। अब जुबान उसकी बड़ी है, जुबान उसकी गज की है, और बहुत बड़ी जुबान है उसकी। जुबान तो वो ऐसे चलाती है कि जैसे जुबान की कोई ब्रेक ही नहीं रखी गई थी। तो अच्छा खैर उसको छोड़े, जो बिना गर्दन का आदमी, उसकी मौजे लगी हुई, एक औरत इधर बैठ जाती है, एक औरत इधर बैठ जाती है, तो उसकी फुल मौजे लगी है। वैसे उसका आने का तुक्को बनता नहीं था, बीवी कोई भी मायके जाती है, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, कुछ भी, अगर वो मायके जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आदमी भी साथ आके दो दो तीन तीन महीने रहे। अब बहुत होता है कि मैं भी अपने मायके में चली जाती हूँ रहने के लिए, तो 1.5-2 महीना तो लग ही जाता है इजी। तो मेरे हस्बैंड नहीं जाते, यहाँ पे उनका स्टोर है, वो वापस आ जाते हैं कि नहीं जी मुझे काम है ये, वाकई वो नहीं उधर रह सकते इतनी देर, तो पीछे से सारा काम उनका रुक जाता है, ऐसे इतना से काम नहीं होता है, वर्कर्स से इतना काम नहीं करते हैं, तो उनको आना पड़ता है वापस खुद नज़र रखने के लिए। एक टाइम में सारे नहीं जा सकते हम लोग, अगर बहुत हो तो जाते हैं मेरे साथ, तो फिर अपने जो हमारे डैडी जी हैं उनको छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे वो नहीं जा सकते, मतलब हम पूरी फैमिली नहीं इकट्ठे जा सकती है। मैं और मेरा हस्बैंड जाएंगे तो मेरे ससुर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, अगर वो है तो मतलब उसका अगर टाइम है ये कि वो अपने आ गई है माँ के घर, तो ये बिना गर्दन का आदमी क्यों आया है, जिसकी गर्दन तो पहले ही नहीं है, और वो ऐसी ठूक के आ गया है उनके घर में रहने के लिए। तो ऊपर से वो जो आ गई उनके घर में बुलड़ी बंदरी बुलड़ी, तो वो बुलड़ी जो है वो बड़े बड़े बुलों वाली, तो वो जिसकी जुबान ही चलती इतनी चलती इतनी चलती है, वो तो बेचारे बुल्लड़ को भी बोलने नहीं देती, कहती है चुप कर बुल्लड़, मैं हूं ना बुल्लड़ी बोलने के, मैं बोलूंगी, जब मेरे पास भी बड़े बड़े बुल्ले हैं तो अपने बड़े बड़े बुल क्यों थकाएगा। तो बुल्लड़ी नॉन स्टॉप शुरू हो जाती है, बुल्लड़ी है ना, बुलड़ी ने शुरू ही रहना होता है हर वक्त, बुलड़ी का भी मैं आपको बताऊंगी। तो बुलड़ी ने हर टाइम शुरू रहना होता है, उसके मजे लगे हुए हैं। वो जी बिना गर्दन के आदमी ने बाइक ली है एक, तो ट्यूबवेल भी लगाया है, तो बिना गर्दन के आदमी ने कहा कि मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। बिना गर्दन के आदमी का जहन था कि मैं मिठाई 200-300-400 की ला के मैं इन लोगों को ठड़का दूंगा, लेकिन वो जो बुलड़ी है चुड़ी आई है, बुलड़ी चुड़ी जो कि मैं मुझे नहीं समझ आती, मतलब एक नए माहौल में जाके इतना, ओके अगर रिलेटिव में भी आपकी शादी हुई होती तो आप इतनी जल्दी अपने रंग नहीं दिखाते हो, सीधी जुबानी ये कि आप लोग अपने इतनी जल्दी नहीं मतलब ओवर नहीं हो जाते जाके। वो बुलड़ी तो ऐसे ओवर है जैसे उसका रोज का काम है ये, तो वो तो मतलब फुल बंदा नई जगह पर जाता है, बोलने से भी थोड़ा सा घबराता है कि पता नहीं कैसे ले मेरी बात, कोई ऐसे मतलब तो नहीं इतना बोला जाता ना कि अपने नए नए माहौल में आया हो तो अपने घर से, तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंट ही उसमें इतना कहे बस बात ही ना करें वो। तो खैर अच्छा जी,
बिना गर्दन के आदमी ने क्या कहा था, बिना गर्दन के आदमी ने कहा मैं आप लोगों को मिठाई ला दूं। लेकिन उस मिस बुल्लुड़ी को जो बहुत ज्यादा पेट की, बड़े पेट की है, वो अपने साथ 2-3 पेट इकट्ठे लगा के आई हुई है। जब वो पैदा हुई थी ना तो डॉक्टर ने ये कहा था बुल्लुड़ी के साथ, बुल्लुड़ी पैदा हुई है एक और 3-4 पेट लगे हुए हैं उसके साथ, मतलब उसके पास इतना बड़ा पेट है कि वो कुछ भी खा लेती है और कुछ भी वो माफ नहीं करती है। तो उसने कहा कि जी हम लोगों ने तो मछली खानी है, क्योंकि बुल्लुड़ी को नई नई आई थी, उन्होंने मछली डालती थी ना, तब से बुल्लुड़ी खुश हो गई और बुल्लुड़ी को मछली ही खानी थी। पता नहीं बुल्लुड़ी ने अपने घर कभी मछली खाई होगी कि नहीं खाई होगी। वैसे तो ये अलीवीर के घर गए थे, वहां पे बुल्लुड़ी ने थोड़ी सी मछली मिली थी बुल्लुड़ी को, तो बुल्लुड़ी ने वहां पे शोर मचाया हुआ था कि खाद लग जानी, खोर कपै जानी है कि ते मछली खा के ते इदा हो जाना ते उदा हो जाना वा। चले खैर उसके बाद ना जी बुल्लुड़ी ओफ बिना गर्दन के आदमी की बात करते मेरी वैसे गर्दन अंदर जाने लगी थी, मुझे अपनी गर्दन बाहर निकालनी चाहिए। जी मेरी अपनी गर्दन बाहर निकली है, तो बिना गर्दन वाले आदमी की बात करते हैं। बिना गर्दन वाले आदमी ने कहा अच्छा जी चले मछली खा लें, नहीं छोड़ेंगे, बुल्लड़ी बंदी है मुझे काट कूट भी सकती है, तो मछली तो खिलानी पड़ेगी इसको। तो जी वो 1400 की मछली ले आया उसने पूरे अपने घर में, क्या मैं कहती पूरे अपने मुल्क में उसने शोर मचाया था, मैं 1400 दी मछली ले आया, 1400 दी मैं मछली ले आया, 1400। अच्छा अब उसकी नीयत सिर्फ मछली लाने पर नहीं भर रही, अब मछली तो वो ले आया लेकिन उसके दिल में ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, गर्दन उसकी पहले नहीं ऐसे करके है ना वो बिना गर्दन का, तो उसके ना दिल को कुछ ऐसे ऐसे हो रहा कि मैं गिटकू जिया, मोटू जिया, गिठा जिया, मतलब मछली ले आया हूँ बोना जिया। तो बिना गर्दन वाले बोने ने सोचा कि मतलब बिना गर्दन वाला बोना ऐसा है कि उस बोने अगर कोई आप उसके पास खड़ा वीडियो बना रहा हो तो बोना ऐसे आएगा, हाँ जी 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 ऐसे, मतलब वो बिना गर्दन वाला बोना गर्दन, सॉरी गर्दन के बगैर आएगा ऐसे ऐसे, मैं गर्दन के साथ आ गई थी तो आप गर्दन निकाल के देख लें से। तो उसकी गर्दन नहीं है, उसकी पैदाइशी गर्दन नहीं है, या थी गर्दन कहीं रह गई है रास्ते में या कुछ हो गया, उसका गर्दन नहीं है पर अब उसके पास, तो गर्दन के बगैर भी वो जिंदा है। सांस पता नहीं कहाँ से लेता है, किसे मतलब खाना वगैरह वो खाता है ऐसे ही खाता है, तो बिना गर्दन नहीं है पर उसकी सब सब ठीक है बाकी। तो खैर वो मछली ले आया, उसकी जान को बनी थी मैं मछली ले आया, मैं मछली ले आया वहाँ। तो ना जो मछली वो ले आया लेकिन उससे 1400 की थी आई, तो अब वो मछली के थोड़े पीस बड़े बड़े थे, तो मछली के पीसों से वो घबरा रहा था कि कहता है इन्हें वो डेढ़ ना थोड़े छोटे कर लो, मतलब उसका कहता इतने इतने का कर लो ना, आप लोगों ने कितने का खाने हैं बड़े, अब बस भी करो, मतलब दिल में चाहे बदवाई दे रहा हो बस भी कर दो, तुम्हें किन्ना ठूंस रहा हो थन ठूंस के इदा हुई इदा हुई, तो दिल हिल रहा था ना उसका, तो इसलिए। तो बाकी ये कि उसके तो अच्छे मौजे लगी हुई, इधर वो जा रहा है कमरों में, उधर वो जा रहा है, वो तो मुझे लगता है उसकी बीवी का नहीं चीला, चीला ही कहते हैं ना चीला हो ना, उसका अपना चीला होने वाला है, तो इस तरह वो अपनी खिदमतें करा रहा है, इस तरह वो हुआ होगा कि मुझे तो उसका ही अपना लगता है, तो ये तो टाइम पे पता चलेगा, शायद वो उसके ही होना हो तो दिखा रहे हो कि उसकी बीवी के होना है, क्योंकि खिदमतें तो वो करवा रहा है अपनी सारी, तो पता नहीं क्या चक्कर चला रहा है, क्यों आके बैठ जाता है, ऊपर से औरतों में फुल बैठता है, उनकी वीडियो बनाता है वो भी बहुत खुशी खुशी बनवाती है, ली जी हमारी वीडियो बनाई हो, मतलब मुझे तुम लोग यही काम करने के लिए बैठ गए हो सारा दिन वीडियो बनाने के लिए, तो शर्म ही नहीं आती है औरतों को बिठा के, और वो देखे मैं भी कैसे बैठी हुई है, उसने ऐसे बुल्लड़ी ने ऐसे मतलब रोटियां पकाने का एक तरीका होता है कि शर्म होती है, मतलब साफ पता चल रहा है किसने यूट्यूब पे डाल लिया, उसको पता है हम लोग का कारोबार ये रुखाने हैं हम लोगों ने इधर से है, तो लेकिन उस औरत ने ना मतलब इतने गंदे एंगल से बैठी है, इतना गंदा स्टाइल से वो बैठी है औरत, वो जानबूझ के बैठी है, इतने पागल हम भी नहीं है, हम भी यूट्यूब सारा दिन देखते हैं, हम इतने भी जिंदगी गुजारी है, हमें भी पता है वो जान के औरत ऐसे बैठी है, क्योंकि वो मतलब इनके काम ही गलत है, इसके काम ही गलत है, वो जो आई है वो उनसे भी 3 हाथ आगे आई है, बल्कि 100 हाथ आगे आई है, वो उनको भी जल्दी अपने रंग दिखाएगी, फिलहाल तो मतलब इन लोगों को पहली रास नहीं ना अपनी आई जिसको इन्होंने निकाल के भी मारा था, तो ये इनको अच्छी तरह रंग दिखाएगी, क्योंकि वो तो बोलने ही नहीं किसी को देती है, इतनी चालाक शातिर मतलब तेज दिमाग वाली वो औरत है कि बस वो आंखों से ही मतलब आप अंदाजा लगा लें उसकी आंखें, तो आंखों से अंदाजा लगा लें कि वो तो बस समझ ही जाए अब आप क्या मैं कह रही हूँ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपके साथ एक नई वीडियो लेके मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, आपकी दोस्त मधुरी।